नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। बीते बुधवार को जनपद शिवपुरी की करेरा पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उसने दोहरे हत्याकांड में लिप्त 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को बहादुरपुर जंगल से धर दबोचा। आपको बताते चलें कि आज से 2 माह पूर्व करेरा गणेश मंदिर के पास जुए के रुपयों के लेन देन के विवाद में आरोपी बंटी शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा निवासी सोनारी थाना करेरा ने 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब से अब तक यह आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। बुधवार को शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल को मुखबिर से सूचना मिली कि करेरा हत्याकांड का आरोपी बंटी अपने कुछ साथियों के साथ बहादुरपुर के जंगल में छिपा है। तुरंत मामला संज्ञान में लेते हुए शिवपुरी SP के निर्देश पर एडिशनल SP गजेंद्र कंवर के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SDOP करेरा GD शर्मा के नेतृत्व में करेरा थाना प्रभारी मनीष शर्मा, पूर्व सुनारी चौकी थाना प्रभारी इंदार गब्बर सिंह गुर्जर ने मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर बहादुरपुर के जंगल में मय फोर्स के दबिश दी। तो आरोपी बंटी शर्मा को खाती बाबा की पहाड़ी पर देखा और पहाड़ी की घेराबंदी कर दी। पुलिस को देख आरोपी ने भागने का प्रयास किया तो थाना प्रभारी इंदार द्वारा बहादुरी का परिचय देते हुए उसे धर दबोचा। उसके साथ दूसरा आरोपी धर्मेंद्र चौबे ग्राम धमधौली को पकड़कर करेरा थाना लाया गया। इस कार्यवाही में आरक्षक प्रहलाद यादव, देवेश सोनू, थाना इंदार के आरक्षक राहुल भदौरिया, रणवीर यादव, महेश सिंह, सुनील सिंह थाना चौकी सुनारी के दीपक जाटव की विशेष भूमिका रही। कस्बा करेरा में दुर्गा हत्या का मामला हुआ था, जिसे बंटी पंडित शर्मा मुख्य आरोपी था और उसका भाई राजू पंडित मुख्य आरोपी था। इन लोगों ने दुर्गा तरीके से एक जुआ हो रहा था, वहाँ जाकर के उस जुए के झगड़े में 2 लोगों की शकील खान और खलील की हत्या कर दी। और यह व्यक्ति बहुत दुर्दांत अपराधी रहा। पूर्व में इसने एक व्यक्ति की हत्या की थी करेरा में, उसके टुकड़े करके विभिन्न जगहों पर गाड़ दिए थे। ऐसे दुर्दांत अपराधी के संबंध में पूरे क्षेत्र में भय व्यापक था। माननीय IG महोदय के निर्देशन में और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष रुचि लेकर उनकी प्राथमिकता थी कि इसको हम सबसे पहले समाप्त करें। SDP महोदय हमारे GD शर्मा साहब के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया, जिसके दल के हमारे मुख्य सदस्य थे गब्बर सिंह, जो पूर्व में चौकी प्रभारी सुनारी थी। उन्होंने वहाँ बहुत मेहनत की और इसका पूरा नेटवर्क तोड़ने में कामयाबी हासिल की। अभी आजकल वो थाना प्रभारी इंदार है, बगल में मेरे बैठे हुए हैं। इनका इनपुट अच्छा था, वरिष्ठ अधिकारियों को इन्होंने सारी घटनाक्रम बताया और जो मुखबिर की सूचना थी उस इनपुट को दिया, जिसको हमारे श्रीमान SDP महोदय ने तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए दल का गठन किया। चूँकि इस अपराधी की विशेषता है कि ये गोली चलाता है, देखती पुलिस को भी देखती गोली चलाता है, ऐसी परिस्थिति में बहुत सावधानी पूर्वक टीम बना करके इसकी घेराबंदी बहादुरपुर के जंगलों में खाती बाबा की पहाड़ी पर की गई। और जैसे ही ये इसको मौका लगा, इसने पुलिस को देखा तो भागने का प्रयास किया, लेकिन हमारे गब्बर सिंह सब इंस्पेक्टर ने परवाह न करते हुए जान की दौड़े और जो मुख्य आरोपी था बंटी उसको पकड़ लिया। यदि पकड़ते नहीं तो संभवतः यदि उसके हथियार होता वो निश्चित रूप से फायर करता पुलिस अधिकारी। धर्मेंद्र चौबे था, उसको भी उसके शहर आरोपी था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों आरोपी गणों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ की गई है, बहुत सी चीज़ें उनके बारे में पता पड़ा है। अन्य आरोपी जो है इसे फरार हो गई, उसके संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी की जा करके विचना हमारे SDP साहब द्वारा की जा रही है, तो उसको GR भेज दिया गया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए करेरा से संजय गुप्ता बिलैया की रिपोर्ट।